हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मावलीज रसोई। आज हम बना रहे हैं दो अलग तरह के सत्तू के लड्डू। आधा किलो दालिया, पीटी शक्कर आधा किलो, इलायची पाउडर, खड़ी शक्कर, घी। दालिया हम भून के लेंगे 5 से 7 मिनट तक। हमने कम आंच पर 10 मिनट तक भून के ले लिया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। हमने 10 मिनट भून कर मिक्सी में पीस कर छान के हमने दालिया ले ली है। हमने दालिया पीसी हुई आधी आधी करके ली है और शक्कर भी हमने आधी आधी करके ली है। हमने घी गरम करने के लिए रख दिया है। गरम गरम घी हम पीसी हुई दालिया में डालेंगे। हमारा घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। हम अपने हिसाब से इसमें घी गरम गरम डालेंगे। घी मिला लिया है। घी गरम है इसलिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में इसमें हम पीटी शक्कर मिलाएंगे। हमने इसमें गरम घी डाला था, ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम पीटी शक्कर डालेंगे। हमने पीसी शक्कर मिला ली है। आपको लगता है घी कम है तो आप पिघला हुआ घी ठंडा इसमें डाल के वापस आप मिला सकते हैं। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर या खड़ी शक्कर भी मिला सकते हैं। अब इसके हम लड्डू बना के लेंगे। हम ये अलग तरीके से बना रहे हैं। घी को हम हैंडल से फेंट के लेंगे। ये हैंडल से हमने फेंट के लिया है। इस तरह से घी होना चाहिए। अब इसमें हम शक्कर मिलाएंगे। हम इसमें अभी खड़ी शक्कर डालेंगे। ये आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ये टेस्ट के हिसाब से है। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम घी डालेंगे। जो हमने फेंट के लिया था वो घी डालेंगे। इसमें घी डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इसके हम लड्डू बना के लेंगे। हमने आज जो रेसिपी बनाई उसको सत्तू के लड्डू बोलते हैं। हमारे सत्तू के लड्डू बनकर तैयार हैं। ये 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होते हैं।